दिल्ली कूच कर रहे किसानों के समर्थन में अब हरियाणा के किसान भी आ चुके हैं। हरियाणा से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने दो दिन पहले दिल्ली कूच कर रहे किसानों का समर्थन करने की बात कही थी। इसके बाद जहां किसानों ने कल 3 घंटे के लिए सभी टोल फ्री कराए थे, वहीं आज सभी तहसीलों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इसी कड़ी में अम्बाला के साहा से शहर की अनाज मंडी तक किसानों द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। आज जो हम ये ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे, कल हमने 3 घंटे के लिए टोल भी फ्री किए थे पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान तक जहाँ तक हमारा संगठन है। और आज ये ट्रैक्टर मार्च है, शांति प्रिय है। हम ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, जो हमारे किसान जम्मू बॉर्डर पे रोके हुए हैं, रास्ते ब्लॉक सरकार ने किए हुए हैं और ऐसे बैरिकेड लगा दिए जैसे कि यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर हो। और जो किसान हमारे जख्मी हुए हैं, काफ़ी गोलियां भी चलाई सरकार ने, आंसू गैस के गोले भी छोटे, ये एक बहुत निंदापूर्ण बात है। क्योंकि किसान तो देख लिया चला रहे, रबड़ की गोली ला लो चाहे कुछ ले लो, किसी की आँख फूट गई, किसी का कुछ हो गया और जख्मी भी काफ़ी हो गया, एक किसान तो शहीद भी हो गया वहाँ पर अटैक से। तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी किसानों की मांगे माने और ये रास्ते भी खोले। दुनिया बहुत परेशान हो रही है, आज 10 तारीख से रास्ते ब्लॉक हैं पूरे दिल्ली तक के और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, जिसने दिल्ली जाना, किसी ने कहीं जाना है, किसी का साथ दिया, किसी का कुछ है। और उधर नेट 10-11 तारीख से नेट भी बंद है, वो भी आज तक लगातार बंद है। नेट की भी बहुत समस्या है देश के लिए, किसी ने पैसे निकालने हैं, किसी ने डालने हैं, किसी ने कुछ खरीदना, आज नेट का युग तो बना दिया, उसको बंद करके बैठे। सर क्या कारण है जो नेट भी बंद कर दिया? ये तो सरकार को पता है क्या कारण है, हमें क्या, हम तो नेट नहीं बंद करने के लिए निकाला, तो सरकार को पता है क्यों बंद किया, क्या उनको एक प्रक्रिया होती है? अगर देखो वो तो सरकार बंद करने वाली है, सरकार को पलंटी लगाने वाली है, या तो हमारे को पलंटी निकालनी हो तो फिर तो हम तो पूछते, ये तो सरकार है, सरकार ही बंद कर रही है और सरकार ही पलंटी लगाई, कौन पलंटी लगाएगा इसको? ये सरकार नहीं है तो दादागिरी हो रही है, जिसको जहाँ मर्जी देखो, जब कोई बोलता है किसी पे ईडी लगा दी, किसी पे कुछ लगा दिया, तो इसलिए भाई, इसलिए हम तो सरकार से ही कहते हैं भी ये ऐसे गंदे काम ना करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी इतने मजबूत हैं, हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है, समूह पहले हम दिल्ली बैरिगेट तोड़ते हुए जाएंगे। पहले भी मोड़ा में बैरिगेट सरदार गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी की अध्यक्षता में, जिला प्रधान मलकीत सिंह जी की अध्यक्षता में तोड़ा था और अभी ये बैरिगेट कुछ नहीं है, अभी इनको हम जैसे ही आदेश आता है ये कुछ नहीं तो तोड़ के उखाड़ के फेंक देंगे। ना कि तो सरकार ने लगाए हैं, किसान तो सिर्फ अपने मांगे, जो देश के प्रधानमंत्री ने हमारे साथ 2 साल पहले झूठा वादा किया था, MSP गारंटी कानून बनाएंगे और कमेटी बना दी है, हम तो अपनी मांग मान रहे हैं। किसान तो अभी शंभू बैरल पर बैठा है, इन्होंने दिल्ली तक जाम कर दिया ताकि आम जनता परेशान हो, अन्नदाता कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहता, पूरे देश का पेट पालता है और बैरिगेड हर कीमत पर टूट सकते हैं। ट्रैक्टर मार्च पूरे हरियाणा में किया जा रहा है, अम्बाला में 5 जगह ट्रैक्टर मार्च है, यानी कि जो अम्बलाना से है वो उगाड़ा में जाएंगे और सजादपुर से नारायणगढ़ में जाएंगे और साहा से कैंट में और मोड़ा बेल्ट है जो अम्बाला सिटी हमारे साथ मिलके अब सीधा समाप्ति अम्बाला शहर में करेंगे। और हमारे किसान भाइयों में जज्बा और जो जोश, हमारे जो मोड़ा जान 2 साल पहले था वही आज जज्बा जुनून पहले है। हमारा किसान हर कीमत पे, क्योंकि हमने पहले भी 750 शहीदियाँ दी हैं, हम कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। BJP सरकार को पता है, हर कोई ये बोलता था मोदी झुकता नहीं, हमने पिछली बार भी झुकाया था, अब भी झुकाएंगे और MSP भी लेंगे।